हेलो साथियों, तो आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी स्टेट का कोई भी प्री एग्ज़ाम हो, यानी कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जिसको टेट बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें आपका अधिगम अक्षमता जरूर आता है। अधिगम अक्षमता से हर किसी स्टेट के एग्जाम के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी टेट, यूपी टेट सभी। तो चलिए आइए जान लेते हैं अधिकम अक्षमता क्या है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, नीचे सी टेट 2023 करके एक प्लेलिस्ट दी गई है, जो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। आपके 5 से 6 मिनट के वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं अधिगम अक्षमता होती क्या है। तो सबसे पहले अधिगम अक्षमता यानी बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति, गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम कहा जाता है। यानी कि लिखने, सुनने, बोलने, पढ़ने आदि में जो अक्षमता होती है, यानी कि वो कर नहीं पाते हैं, तो उसी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। यहाँ पे अधिगम अक्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो अधिगम अशक्ता है, या अक्षमता बोलते हैं, अशक्ता भी बोलते हैं, अक्षमता भी बोलते हैं, तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, यानी मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है, उसको अफेजिया और डिसफेजिया नाम से जाना जाता है। यानी मौखिक रूप से अगर कोई डिजीज पूछ ली जाती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको अफेजिया, डिसफेजिया के नाम से जाने जाते हैं। पढ़ने की अक्षमता जो होती है, उसको एलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहा जाता है। बहुत ही यानी पठन विकार, ठीक है, पठन विकार को क्या कहा जाता है, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बने तक रहिए हमारे वीडियो में। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको सभी जानकारी मिले जाएंगी। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका आता है लिखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है, तो अग्रेफिया, अप्रेक्षिया, अशिम्बोलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया। डिसग्राफिया यानी मोस्टली आपको डिसग्राफिया कहा जा मिलता है, लेकिन ये भी वर्ड आपको याद रखने के, क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हो रहा है और जो कंपटीशन लेवल है वो भी बढ़ रहा है, तो आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आएंगे 4 नंबर पे, वर्तनी की समस्या क्या होती है, वर्तनी समस्या होती है। फिर गणित संबंधी समस्याएँ होती, जिसको डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है, तो वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रैक्टोग्नेस्टिक डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लैक्सिकल डिसकैलकुलिया, ये सब क्या है, ये सभी गणित के विकार हैं। क्या गणित के विकार हैं। फिर ऑडियोनॉटिक डिसकैलकुलिया, अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। चलिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अफेजिया आपकी किस प्रकार की अधिगम अक्षमता, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो मौखिक रूप की अक्षमता है। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, तो ये पढ़ने की अक्षमता है। डिसग्राफिया क्या है, तो ये डिसग्राफिया लिखने से नहीं, ग्राफ से ही आपको समझ जा रहे हैं कि ग्राफ मीन्स बनाना होता है, तो लिखने की अधिगम अक्षमता होती है। फिर डिसकैलकुलिया किस विषय की अधिकम अक्षमता है, तो आपकी गणित से संबंधित अक्षमता है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। प्रशिक्षण स्थानांतरण यानी एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग आपका प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है, तो अनुकरण कहलाता है। किसी कार्य को सीखने में जो आपका पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है, तो सीखने वाली छात्र की तत्परता पर। ये सभी आए हुए आपके क्वेश्चन हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो समझना होता है, यानी समझ कर अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद होगा। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है, जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य देंगे, ठीक है। यदि आपकी कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करे, तो आप क्या करना पसंद करेंगे, उस आदत को छोड़ देंगे। करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, यानी करके अगर आप सीखेंगे तो आपका ज्ञान अधिक स्थायी रहेगा। फिर अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है, तो लेविन ने दिया है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, तो एबिंग हाश हैं। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन परिस्थितियों को माना है, तो शारीरिक आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं उनको।